कहाँ थे आप जो जमाने के बाद आए हैं, मेरे सबाब के जाने के बाद आए हैं। सीरिया नरेश जब इसको भेजे तो ये डायमेकस ने बिंदुसार को बताया कि सीरिया ये पूछे कि तुम्हारा देश किस लिए प्रसिद्ध है। जैसे हम ही लोग के यहाँ कोई आ जाएगा जापान से तो आदमी पूछेगा ना कि वहाँ जापान में क्या क्या चीज फेमस है। जापानी सब तो बहुत ज्यादा आगे है सब, वहाँ पर उन लोग की टेक्नोलॉजी दुनिया, मतलब वो सबका अलग ही दुनिया रहता है वहाँ पर। जापान वालों की मेंटेलिटी हर देश की अलग होती है, आदमी जानने के लिए इच्छुक होता है ना। तो ये भी पूछा बिंदुसार ने, किससे पूछा, डायमेकस से, ये बताओ सीरिया में क्या चीज ज्यादा फेमस है। ये पूरा एरिया क्या कहलाता था उस समय, यूनान। तो सीरिया में क्या फेमस है, तो कहा देखिए वहां पर जो शराब है वो मीठी शराब बहुत फेमस है, मीठी शराब। अब शराब का टेस्ट जो पीता होगा वही बताएगा, बट देखने से तो लगता है टेस्ट अच्छा नहीं होगा क्योंकि पीते वक्त ससुरे आंख बंद कर लेता है, देखते हैं सोचा तो पीता का ही है। लेकिन वहां पे उसने बोला कि भाई हमारे यहाँ मीठा शराब मिलता है। अरे सबाब नहीं रे बकलोलवा कह के, सबाब तो दूसर चीज हो जाता है। सबाब, सबाब मतलब कौन चीज होता है, युवा अवस्था, इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं जवानी। समझ में आ गया कि नहीं है, कहाँ थे आप जो जमाने के बाद आए हैं, मेरे सबाब के जाने के बाद आए हैं। ये पहले जमाने के गाना बहुत जबरदस्त होता था, आजकल के गाना में दम ही नहीं रहा वो दम। लेकिन वो वही समझ सकता था जो मतलब समझता है। आज का सुनेंगे सवाब के जाने मतलब कौन सी कर रहा है, तो उसको भोजपुरी इसी गाना को डब किया गया कि खत लिखनी जवानी में बुढ़ोती में जवाब दे लू। यहाँ पर सीरिया में क्या फेमस था भैया, मीठी शराब। और यहाँ अंजीर बहुत फेमस था, अंजीर एक ड्राई फ्रूट होता है, जैसे छुहारा होता है ना वैसे ही अंजीर होता है, इतना बड़ा सा होता है, बीच में हल्का सा सुराख होता है, बस इसी को क्या कहते हैं, अंजीर कहते हैं। काजू बादाम खाए हैं, वैसे ही छोटा इतना बड़ा होता है, उसे क्या कहेंगे, अंजीर कहते हैं। क्या हो गया बोलो, अरे यार तुम लोग क्या बोलता है, लाइव क्लास छोड़ के तुम लोग को बैठना सिखाएंगे, कौन है ये पीला, कहीं सेटल हो जाना भैया जल्दी जल्दी, दिमाग खराब करता है, सबको पीछे वाले को डिस्टर्ब होता है। अंजीर देखिए, ये सबको भगा देंगे अब तुम लोग को, बीच भी 20 बार नहीं बोलेंगे, तुमको नहीं दे, पीछे वाला को खड़ा हो गया दिख रहा होगा, तू प्रोजेक्टर पे देखना पीछे वाला, अगवा कौन जी देखता है हमको, उस पे नहीं दिख रहा है, यो कम नहीं खखोरता है सो, गांव से आएगा सो तो जब टाइप का देखेगा सो, सबसे पहले तो गांव से जो आएगा सो कूलरवा चला के देखता है सो, भाई चल तो रे, हाँ एसी चला के देखता है। अंजीर काफी अच्छा चीज होता है, ड्राई फ्रूट होता है, जिस तरह से काजू किशमिश खाया जाता है वैसे इतना ही छोटा सा अंजीर होता है, काफी महंगा मिलता है, 900 रुपए केजी है। तो अंजीर, अंजीर में होता है एनर्जी, स्टेमिना ज्यादा होती है, बट अंजीर हो गया, पपीता हो गया, अनानास हो गया, ये किसी गर्भवती महिला को नहीं खिलाया जाता है, वरना उसका एवर्सल हो जाता है। तो पपीता, अंजीर, अनानास, ये सब चीजें मतलब मना रहता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, आगे जाके ध्यान दीजिएगा, ना तो पता चला आप लेके आए हाउ पढ़ल लिखल ना थी, अब मार 1 किलो पपीता खा ले। आपको क्या हो सकता है, दिक्कत हो जाएगा। तो अंजीर, अनानास, लिख रहा, लिख ले, लिख ले, घर जाके लिख लियो। इसमें गलत क्या है यार, क्या गलत है इसमें, सही है इसको, हम लोग को अंग्रेजों ने इस तरह से बांध के चले गए कि शिक्षा को भी ससुराल उसने दो भाग में बांट दिया, वहां सबको पता है, इसमें क्या गलत है। आप एक नवजात शिशु की जान लेते हैं अपनी लापरवाही की वजह से, और उसको देहात में कहा जाता है कि बच्चा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया सोच नहीं, कचर के खा गई होगी उल्टा सीधा कुछ। कलिंग युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया, पूरी तरह से टेंशन में रहता था, इसकी पत्नी आके मनाती थी क्या हो गया जीत का, भाग सुचरी टेंशन में। वो बेचारा अपने टेंशन में आकर खाना खा लीजिए, नाश्ता कर ले, अरे बेचारा वो उतना टेंशन में, उतना आदमी को काट के आया, वो पैसे दिमाग नोचे झार दिया है भाई, हम तो कारोबाकी करिए हमरो झार दीजिएगा, तो कहते तू स्पेशल है निकल यहाँ से, स्पेशल लड़का सबको गुस्सा आता है तो किसी को नहीं पहचानता है, भले बाद में मना ले सब। जब तक अशोक जिंदा था किसी की औकात नहीं थी वो कुछ कर सके, क्योंकि उनको पता था इन हाथों ने केवल हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूला। किसी दिन अगर उठ गया तो फिर सबको साफ कर देगा यहाँ पे। खत लिखनी जवानी में बुढ़ोती में जवाब दे लू। पता था इन हाथों ने केवल हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूला।
इसकी पत्नी आके मनाती थी, क्या हो गया जीत का भाई, टेंशन में है। वही लगाया जाता है, पुरुषों को नहीं लगाया जाता है जानबूझ के। महिलाएं आराम आराम से नोचते रहती हैं, सब पत्तियां उसकी रखते रहती हैं सब इस तरह। पुरुष को लगा देंगे सच रहा, दिन भर कहीं ना कहीं झगड़े कहीं ले रहता है, और नोचते में उसको अगर याद आ गया झगड़ा के बाद गुस्सा में, तो कहेगा ना गला दबा देंगे वहाँ पे, गुस्सा में नोच देगा पूरा खेत उतू खड़ जाएगा। इसलिए पुरुष को चाहे पत्ती में नहीं लगाते हैं लोग। स्कूल में पढ़ने के बाद आपको लगेगा जॉब, अब चाहे प्राइवेट जॉब लगे चाहे सरकारी जॉब लगे, आप कहीं भी जाइएगा आप जॉब कीजिएगा। जॉब करेंगे तो वो चला जाएगा तृतीय सेक्टर में, ये लोग जॉब कर रहे हैं तृतीय सेक्टर में, इन सब काम थोबड़ा ढक दिए हैं। इस जरा इसको देख रहा था सब, देखिए ना यहाँ पर इसको देख रहा था सब, देख रहे हैं कौन चीज जॉब करेगा सब, अयो बकलोलिया देख रही है उसी को यहाँ पर। तो ये सब जितना जॉब वगैरह होता है सब किस में जाता है, तृतीय सेक्टर में जाता है। अपने कीड़े मकोड़े रहेंगे बाह्य कंकाल, जैसे बिच्छू जो होता है ना, बिच्छू में भी बाह्य कंकाल पाया जाता है। आप अगर बिच्छू को टच करिएगा तो कड़ा लगेगा वहां पर, अब जिंदे में मत टच कर दीजिएगा नहीं तो आपको कड़ा कर देगा वो। तो ये बाह्य कंकाल होते हैं, इनके शरीर में ये थोड़ी मदद करता है। जितने भी इंसेक्ट है खटमल को मारिएगा ना, इसे खटमल मारिएगा तो देखिएगा ना कड़ा लगता है। मच्छर वगैरह जितने होते हैं आपको मच्छर काटेगा ऐसे मच्छर मारिएगा ना तो देखिएगा, कभी कभी मच्छरवा का यहाँ फोटोकॉपी हो जाता है, मच्छरवा भाग जाता है कहता है मार रहा है सूत जो, तो फिर आके काटेगी। क्यों? क्योंकि उसके बाहर कंकाल होता है। लेकिन मच्छर इतना छोटा है और काटे भर ना उसकी भी मजबूती रहेगी, क्या बुलेट प्रूफ थोड़े ना हो जाएगा। अब जो नारियल पानी हम लोग पीते हैं पटना में, वो केरला में मिलता है 10 रुपए का। केरला से एक ट्रक अगर पटना आता है तो 1,00,000 रुपया वो किराया लेता है। अब आप बताइए कोई व्यापारी है जो नारियल पानी मंगा रहा है, वो तो केरला में खरीदा है 10 रुपए के हिसाब से, अब जब पटना लाएगा तो 1,00,000 रुपया किराया दिया है वो ट्रक का, आपको 10 रुपए में देगा? नहीं देगा। तो गरीब आदमी सोचता है कभी हम भी नारियल पानी पीते, इसमें उस गरीब की कोई गलती नहीं है ना ही उस व्यापारी की गलती है। गलती है तो हमारे नीति निर्देशकों की गलती है, जो नीति बनाते समय ऐसी नीति नहीं बनाते हैं जो अगले 1,000 साल तक सक्सेस हो सके। हमें अपने नदियों पर यह नीति बनानी पड़ेगी कि अगले 1,000 साल तक बाढ़ नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या नीति बनाते हैं, इस बार बाढ़ में कैसे बचाएंगे, रे चोट्टा कहीं के तू बाढ़ में बचाएगा या 1,000 साल तक का नीति बना के चलो। अपनी पत्नी का दिमाग और जीएसटी आज तक समझे में नहीं आया, खैर इसको हम आपको समझा देंगे। जीएसटी पत्नी का दिमाग हमको भी अभी एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ दिन में हो जाएगा, हमको भी शादी होने वाली है तो हम वो भी समझा देंगे आपको। आप देखिए मुर्गी पालन ये पूरी तरह से प्रकृति पर है। आपने कभी सुना है क्या एयरटेल की मुर्गी, रिलायंस की भैंस? कभी नहीं होती है, ये नेचर की होती है। तो जो चीज नेचुरल होती है उन्हें हम प्राथमिक कहते हैं। अब मुर्गी पालन में हम कभी पढ़ाएंगे कि तीन तरह से मुर्गी पालन होता है, जो केवल मीट के पर्पस से आती है, ये सफेद वाली सीबीएसई बोर्ड वाली मुर्गी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉयलर कहते हैं। जो अंडा देती है सब उसे लेयर फार्मिंग कहते हैं, और जो ये हिंदी मीडियम वाली मुर्गी पाली जाती है ना घर के पीछे, तो उसे बैकवर्ड फार्मिंग कहते हैं। तो ये क्या है, प्रकृति पर निर्भर है। तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। तो ये सऊदी अरब के राजकुमार जो राजा थे उस समय फहाद, उन्होंने फ़ोन किया इसको कि रे चोट्टा कहीं का तू शांति से रह जो मैटर पे, ना तो तोरा हम व्यवस्था कर देंगे। ये खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हम तो नवाज शरीफ को टपका दिए रहते अगर ये बीच में नहीं आए रहते। तो सोचिए ये अपने प्रधानमंत्री को टपका रहा था, रे चोट्टा। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तानी की आर्मी जिम्मेदार है, लेकिन हमारे देश के इंटेलिजेंस भी जिम्मेदार है। तुम जासूस किस काम का रहे कि तुमको ये पता नहीं चल रहा है कि पाकिस्तान की हजारों फौज घुस गई, वो आर्टिलरी लेके चले आए, एमुनेशंस लेके चले आए, मिसाइल लेके घुस गए, हमारी फौज चुपचाप मुंह देख रही है। हमारी फौज तो बहादुरी से लड़ी, जो जासूस थे सब इंटेलिजेंस वो चोट्टे कहां मर गए थे सब। और ये हमेशा से यही होता है, 1962 की लड़ाई हम लोग को मुंह की खानी पड़ी यही जासूसों की वजह से। 1984 में ये ससुरे सियाचिन में घुस गए थे फिर भी कुछ नहीं हुआ। अरे सब छोड़िए, 2008 में देखिए ना मुंबई में जब हमला हुआ तो हमारे जासूसों को पता ही नहीं था कि अजमल के साथ घुस गया, हमला कर दिया, चोट्टा सरकारी नौकरी लेना है, कोनो काम का नहीं है सब अधिकारी को ले आके। हम तो रहते ना वहां पे, हमारे पास पावर रहता ना, हम तो ससुर जितने अधिकारी ना ससुर को जिस तरह से पाकिस्तानियों को भूने थे ना उस तरह भून देते ससुर, तुम क्या कर रहा है, क्योंकि हम युद्ध जीत सकते हैं। हमारे इतिहास में एक और शौर्य गाथा लिखी जा सकती है, लेकिन उन माओं की गोद जो सुनी हो गई करगिल की लड़ाई में, उन्हें हम कभी नहीं लौटा सकते उन चोट्टे जासूस इंटेलिजेंस वालों की वजह से। बस नौकरी हो गया ना सरकारी नौकरी, अब कौन जरूरत है जासूसी करने का, मेहरारू संगे घूमो। हम एक मतलब वंश से दूसरे वंश में कौन लेकर जाता है, डीएनए लेके जाता है, नहीं रहेगा तो मार दीजिएगा, जीन लेके जाता है, वो नहीं रहेगा तो मार दीजिएगा आपका क्या चीज, क्रोमोजोम लेके जाता है। और एक बार नीट के एग्जाम में पूछा था कि हेरिटेज का ट्रांसफर कौन करता है, जो जेनेटिक्स का, तो उसमें एसिड लिखा था। तो ध्यान से समझिए ना, डीएनए भी तो क्या है, एसिड है ना, है डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यही ना है जी।
वायरस वगैरह में कौन लेके जाता है? आरएनए लेके जाता है, याद रखिएगा। आपसे हमेशा कंफ्यूजन पूछेगा कि डीएनए में और आरएनए हम लोग में कौन अनुवांशिक लेके जाता है, डीएनए लेके जाता है। तो डीएनए हमारा लड़का जो होगा वो भी आदमी की तरह होगा, ऐसा नहीं होगा कि आग फूकेगा ऐसे पंख लेके उड़ेगा, आई एम द सन ऑफ खान सर ले आओ डायनासोर, ऐसा आग फूकेगा ऐसा थोड़े फूकेगा। सोच रहा हमारा डीएनए में 46 को क्रोमोजोम है, यही ना है, यही लेके जाता है। लेकिन जो वायरस वगैरह होते हैं सर उसमें क्या होता है, आरएनए होता है। अब डीएनए और आरएनए में एक खराबी क्या है, ये बहुत देरी से बनता है। डीएनए जो होता है ना रेप्लिकेट, मतलब बहुत देरी से करता है, जबकि आरएनए फटाफट हो जाता है। तो देखिएगा जितने वायरस होते हैं, कोरोना वायरस क्या है, आरएनए है। कोरोना वायरस क्या है भैया, आरएनए, फटाफट बन जाता है, एक को हुआ दूसरे को हो जाता है कोरोना।